हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज आपके लिए जो वीडियो है उसमें मैं आपके फ़ायदे की ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाल वाटिका 3 का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में से 450 केंद्रीय विद्यालयों को सिलेक्ट किया गया है जहाँ बाल वाटिका के बच्चों का एडमिशन चल रहा है, और ये प्रोसेस इसी मंथ के लास्ट तक ख़त्म भी हो जाना है। तो जब बच्चे लिए जा रहे हैं तो उनके लिए हमें टीचर्स की भी ज़रूरत है, और केंद्रीय विद्यालय में उन सब की वैकेंसीज आ रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि कई लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से पूरी वैकेंसीज आ रही हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए कि क्योंकि ये बच्चे जो हैं बाल वाटिका 1-2 पढ़ करके 3 में आ रहे हैं, तो इनके लिए जिन टीचर्स की ज़रूरत है, पहले तो आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि उसमें आपको 12th पास होना चाहिए और 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, या जो डिप्लोमा हो वो NTE का होना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं है डिप्लोमा तो आपके पास में 2 साल का प्री प्राइमरी टीचर्स का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो होना चाहिए, या आप एक BEd करें हो लेकिन BEd नर्सरी टीचिंग में किया होना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तब आप बाल वाटिका में प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब आप दूसरी बात आती है कि आपको सैलरी इसमें कितनी मिलेगी। तो सैलरी आपको एक फिक्स्ड मिलनी है इसमें। आप TA DA जो भी गवर्नमेंट की जो मतलब पद होते हैं जो टीचर्स को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। एक फिक्स सैलरी आपको 26,250 मिलने वाली है। तो 26,250 नॉट अ बैड सैलरी, एक बच्चों के लिए एक अच्छी सैलरी है, कोई बुरी नहीं है। आप एक अगर अकेले हैं तो देन इट्स गुड। तो आपको इसमें एक हैंडसम सैलरी है जहां आपको बच्चों के साथ काम करना, मज़ा लेना और ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन अब यहाँ मैं आपको जो एक चीज़ बहुत ही क्लियर वे में बताऊँगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स आप होंगे तो पहला तो आप पूरे साल भर के लिए नहीं होने वाले हैं। आपकी जो वैकेंसी है वो हार्डली 9 to 10 months के लिए होगी, यानी कि 10 से 9 महीने के बीच ही आपको वहाँ रखा जाएगा। हर साल आपको उसके लिए एक इंटरव्यू देना होगा, या आपको एक छोटा सा रिटन टेस्ट 50 marks का, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि MCQ बेस्ड आपका एक टेस्ट भी ले सकते हैं, तो उसके बेस पर होगा। अब दिमाग में बात आएगी कि क्या कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैसे रखेंगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये सबसे पहले प्योरली स्कूल बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की नौकरी है। जिस स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 खोली जाएगी वहाँ के प्रिंसिपल इसकी वांट निकालेंगे, वहीं आपका जो फॉर्म है वो आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन जा करके उस स्कूल की वेबसाइट पर, और जब वहाँ कॉल आएगी आपको तो आप इंटरव्यू देंगे, या वहाँ से उससे पहले छोटा सा एक रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो आप बात मेरी समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब है कि है कॉन्ट्रैक्चुअल की नौकरी, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो आप इसको भरने से पहले कम से कम 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर आप वहाँ चले जाएंगे, आप नौकरी करेंगे, आपको 26,250 रुपये मिलेंगे, लेकिन परमानेंट नौकरी की तैयारी के लिए आपके पास टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो देन इट इज़ बेटर यू टू गो टू दिस पोस्ट। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इसमें टाइम अपना वेस्ट ना करें और तैयारी करें अपने परमानेंट जॉब के लिए। अब अगर आपके पास में कोई हैं जो हमारे इसी में, क्योंकि हर क्लास में 2 को होना, तो एक स्कूल में 2 ही टीचर लगेंगे, क्योंकि अभी एक सिंगल सेक्शन खोला जा रहा है, तो जहाँ भी ये वैकेंसी आएगी वहाँ सिर्फ 2 ही टीचर्स की आनी है। उनके साथ में एक केयर गिवर होगा, मींस एक तरीके की हेल्पर होगा, और वो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी से लिया जाएगा। तो उसकी कोई फिक्स्ड बात नहीं है, किसी स्कूल में उसको 10,000 देंगे, किसी में 15 देंगे, तो उसका कोई फिक्स्ड भी वो होने वाला नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहाँ की आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कि वो आपको कितना पैसा देंगे। तो मुझे ये बताते हुए आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर है, बट अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन इट्स योर विश। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है कि बाल वाटिका के टीचर्स की जो वैकेंसी है उसमें आपको ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इट इज़ अप टू योर विश।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाल वाटिका में जो हम रजिस्टर्स बनाएंगे, जो काम होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय, सी यू, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ में मैं आपके कुछ वीडियोस में नई एनसीईआरटी की जो किताबें आ रही हैं उनके बारे में भी बना रही हूँ, जो हम एक दो दिन में अपलोड करेंगे। ओके, बाय, सी यू अगेन।